अभी तक आप लोगों को बताया जा रहा था किसी भी YouTube चैनल के माध्यम से ग्रास कार्प मछली को हरा चारा खिला करके आप अच्छा ग्रोथ ले सकते हैं। हम भी बहुत सारे वीडियो में बताए, सबसे ज़्यादा लगता है कि हम ही बताएं केला के पत्ता ग्रास कार्प को खिलाइए, बेहतर ग्रोथ पाइए, गोभी के पत्ते, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी देते रहते हैं आपको ग्रास कार्प के विषय में। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, न सिर्फ आप ग्रास कार्प को हरा चारा दे सकते हैं, खिला करके ग्रोथ तो लेते ही हैं, बल्कि रोहू इंडिया के सबसे बेस्ट चॉइस वाली रोहू मछली सारे लोग पसंद करते हैं खाना। मछली पालक जो हमारे बंधु हैं वह भी रोहू मछली को पालन बेहतरीन ढंग से करना चाहते हैं, लेकिन उनका शिकायत रहता है कि सर रोहू मछली का ग्रोथ ही बहुत देर पर आती है। सही सुना आपने, रोहू मछली एक ऐसी मछली है जिसका ग्रोथ अपने दूसरे साल में होता है। अब आप इसका ग्रोथ कैसे जल्दी ले, उसी का उपाय हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। पहला उपाय तो यह है कि उसके फीडिंग पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, पुराना रोहू का पालन करते थे तो आप जयंती रोहू का पालन करें। हम इस वीडियो में जयंती रोहू के विषय में चर्चा नहीं करेंगे, ऐसे वह भी रोहू है, उसको भी यह जो फीड हम बताने जा रहे हैं, जो हरा चारा बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, वह आप जयंती रोहू को भी खिला सकते हैं। और जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर कॉल करके आप जयंती रोहू, अमूर कार्प और जो भी मछली आप पालने का इच्छा हो आप कॉल करके हमसे मंगवा सकते हैं। साधारण रोहू, नदीम रोहू, जिसकी जिस रोहू की भी आवश्यकता हो, पालने का इच्छा हो, दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप सीड मंगवा सकते हैं, हम उपलब्ध कराएंगे। चलिए हम आरंभ करते हैं वीडियो। एक बार फिर से अपने चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लेंगे, आरंभ करते हैं। तो हम आपको बताने जा रहे थे रोहू मछली का सबसे सस्ता चारा, हरा चारा, जिसमें कोई लागत नहीं लगेगा। आप लोग भी बखूबी उससे परिचित होंगे, लेकिन यह आपको अभी तक पता नहीं है, किसी वीडियो में आपने देखा नहीं होगा कि रोहू मछली भी हरे चारा को खाती है। लेकिन पार्टिकुलर चारा जो जो ग्रास कार्प खाती है, ऐसा नहीं है कि रोहू को भी आप वो खिला लेंगे तो खा लेगी। पार्टिकुलर एक चारे के नाम हम बता रहे हैं जिसको आप भी साग के रूप में यूज करते हैं, जिसका नाम पोए का साग देहात में बोला जाता है, मालाबार पालक के नाम से भी लोग जानते हैं इसको, और बहुत सारे नाम हैं। जैसे हम आपको बता देते हैं मालाबार पालक क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। यह एक बेल वाली पौधा है, किसी दूसरे पौधे पर चढ़ करके और ये फलती फूलती है, बेहतर ढंग से अपना विस्तार करती है, या इसको लता वाली पौधा भी आप बोल सकते हैं, पोए का साग बोल सकते हैं, बेल पालक भी बोला जाता है कहीं कहीं, सिलोन पालक के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी खासियत यह है, आप भी अगर दूसरे बड़े बुजुर्ग लोगों से आपने सुना होगा कि साग एक प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है, हम सारे लोगों को, मनुष्य को भी साग का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन का यह उत्तम स्रोत होता है, काफ़ी मात्रा में प्रोटीन इसमें मौजूद होता है। डॉक्टर भी हम लोगों को साग खाने की सलाह देता है अगर हम किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, ऐसे भी हम लोगों को साग खाना ज़्यादा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी बेहतर होती है। तो जिस तरह से हम मनुष्यों को, मवेशियों को, उसी तरह से मछलियों को भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जैसे आप कभी कभी फ्लोटिंग फीड खिलाते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाती है कि इसमें 30 प्रोटीन है, 32 प्रोटीन है, 28 प्रोटीन है, तो प्रोटीन को नंबर एक पर रखा जाता है। इसीलिए हम लोग भी जब वीडियो बनाते हैं तो आपको प्रोटीन के लिए सरसों की खली या मूँगफली की खली या फिर और चीज़ों की खली के बारे में जानकारी दी जाती है, क्योंकि यह प्रोटीन का उत्तम सोर्स होता है। उसी तरह से यह जो मालाबार पालक है, यानी पोए का साग है, इसमें बहुत अधिक मात्रा में 30-35% प्रोटीन पाया जाता है। अब रह गई कि लोगों को जानकारी ही नहीं है कि आपकी रोहू मछली भी इस मालाबार पालक को खा करके ग्रोथ कर सकती हैं। अभी तक लोगों को बताया गया कि अपने तालाब में प्लैंकटन रहेगा, खास करके जू प्लैंकटन, फाइटो प्लैंकटन थी, तो आपकी रोहू मछली ग्रो करेंगी। लेकिन आपको शायद आश्चर्य हो कि यह पोए का साग खा करके रोहू मछली काफ़ी ग्रो कर सकती है। इसके पत्ते को बड़े चाव से खाती है रोहू मछली, आप खिला करके देखें, अवश्य खाएगी। हो सकता है आपके तालाब में ग्रास कार्प हो तो वो भी खाएगी और रोहू मछली भी खाएगी। तो अगर आप ग्रास कार्प का भी पालन करना चाहते हैं, आप पालन कर रखे हैं, तो यह अपने तालाब में डालें,
काफ़ी अच्छा ग्रोथ आएगा, रिस्पॉन्स आपको अच्छा मिलेगा और रोहू मछली भी काफ़ी ग्रोथ करेगा, चाहे वह जंती रोहू हो, साधारण वाला रोहू हो या फिर नैदिम रोहू हो, कोई भी रोहू इसको भोजन कर जब खाएंगी तो ग्रोथ आएगा ही आएगा, ना कैसे आएगा। प्रोटीन काफ़ी रिच मात्रा में होता है इसमें, तो इसके लिए आप कोई भी खेत में इसको लगा सकते हैं, आपके आसपास से यह मिल जाएगा। जो दिखाई दे रहा है वीडियो में इस तरह का ही वह लतादार पौधा होता है, उगाती है ऐसे भी, कहीं कहीं किसी किसी के छत पर अपने आप उग जाता है। तो जो दिखाई दे रहा है यही वह मलाबार पालक या पोए का साग इसको बोला जाता है। रोहू मछली को खिलाइए, ग्रोथ अच्छा मिलने वाला है। और प्लैंकटन के निर्माण के लिए आप तालाब में गोबर डालते रहिए, इस तरह से आपका प्लैंकटन का निर्माण होगा, उससे भी ग्रो करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।